हेलो, तो नमस्कार साथी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी एजुकेशन पर। राजस्थान बीएसटीसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आए हैं और आप सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी लेकर आए हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए जो कट ऑफ लिस्ट है वो कम रहेगी। जी हाँ दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम रहने वाली है। तो 375 प्लस पर सबका जो स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन इस बार होगा, इससे डाउन भी रहेगी। वो बताएंगे क्या कारण है आपका डाउन रहने का। तो 12,000 सीटें अतिरिक्त जोड़ने की जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि बीएसटीसी में 12,000 प्लस और अतिरिक्त की घोषणा मुख्यमंत्री कर सकते हैं। तो चुनाव से पहले सबसे बड़ी घोषणा आप बच्चों के लिए यहाँ पर सामने निकल के आ रही है। तो सभी का सिलेक्शन होगा, पूरी जानकारी मिलेगी वीडियो में। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बात करते हैं कि कट ऑफ के लेकर काफ़ी सारे अजमंजस और जो काफ़ी सारे जो क्रिएटर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, उन्होंने वीडियो अपलोड कर दी है, पर हम आपके लिए तथ्य एवं फैक्ट के साथ वीडियो लेकर आए हैं। तो इस बार आपकी जो कट ऑफ है क्या रहेगी, कम रहेगी, ज़्यादा रहेगी, क्या खुशखबरी है सभी के लिए गहलोत सरकार की तरफ से। तो ये तो एक बहुत बड़ी जो खुशखबरी है जो सामने निकल कर आ रही दोस्तों, जो गुड न्यूज़ है आप सभी स्टूडेंटों के लिए। तो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ऐसा पता चल रहा है कि जो बीएसटीसी की है आपकी, बीएसटीसी में इस बार 12,000 जो सीटें हैं, 12,000 सीटें हैं वो अतिरिक्त जोड़ने की घोषणा की है। क्योंकि आपकी जो पिछली सीट हैं जितनी पर आपकी जो आवेदन हुए थे, आपकी एग्ज़ाम हुई थी, वो तो रहेंगी। क्यों बता रहे हैं कि 35,000 जो सीटें हैं उन पर जो आपके जो आपने एग्ज़ाम दिया था, तो उन्हीं में 12,000 सीटें और जोड़ने की एक रिपोर्ट है जो सोशल मीडिया के हवाले से निकल के सामने आ रही है। तो दोस्तों, सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। तो नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना, जिससे कि हर आपको अपडेट मिलेगी, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको कॉलेज और अलॉट होने तक की सारी जानकारी देते रहेंगे। जो राजस्थान बीएसटीसी की जो एग्ज़ाम 2023 में आपको जैसे पता है कंडक्ट हुई थी, उसकी एग्ज़ाम सफलतापूर्वक हो गई थी, उसकी कट ऑफ लिस्ट है, जो क्या कट ऑफ लिस्ट है और क्या रहेगी जो ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट है। तो दोस्तों, थोड़ा सा सर्वे करने के आधार पर हमें पता चला कि टोटल जो फॉर्म है 381,000 फॉर्म है। तो टोटल सीटें इसमें हैं कि 35,000 सीटें बताई जा रही हैं कि इसमें इस बार 35,000 सीटें हैं, प्लस जो कि सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही कि 12,000 जो सीटें हैं आपकी अतिरिक्त जोड़ने की जो मुख्यमंत्री है वो घोषणा जल्द ही कर सकते हैं। तो पेपर का लेवल जाता इस बार मीडियम था। तो क्या रहेगी आपकी कट ऑफ है, जो जनरल ओबीसी एसटी एससी सभी कैटेगरी की मेल फीमेल सहित लेके आए हैं, तो इस बार आपकी जो कट ऑफ है, जो इस जान लें आप क्या आपकी कट ऑफ है, अपनी राय जरूर देना क्या ये कट ऑफ रहेगी या नहीं रहेगी। तो हम आपके लिए सबसे पहले फर्स्ट लिस्ट जो आपकी बीएसटीसी जारी करेगा तो उसकी कट ऑफ हम लेकर आएँ, सेकेंड की बताएंगे और फाइनल की भी बताएंगे, जो थर्ड लिस्ट है उसकी बताएंगे। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं आप, जनरल जो मेल की है वो 400 रहने वाली इस बार जनरल में, फीमेल की 394 रहने वाली है। फर्स्ट लिस्ट कट ऑफ बता रहे हैं आपको। ओबीसी की बात करें तो मेल की है 394 और फीमेल की है 387। एसटी की बात करें तो 368 मेल और फीमेल की 356 रहने वाली है। एससी की बात करें तो मेल की रहने वाली 357 और फीमेल की है 345। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 385 रहने वाली है, जो अन्य जो कैटेगरी हैं उनकी माइनस में ही रहेगी, मतलब कम रहेगी इन कैटेगरी बीच। तो यदि आप फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ देखते हैं, आप सेकंड की बात कर लेते हैं, सेकंड लिस्ट आएगी दोस्तों वो कितने तक जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड है तो इसमें कम से कम आप मान के चलो कि इसमें कम से कम 8 नंबर इसमें माइनस कर सकते हो आप जनरल में, सेकेंड लिस्ट में, और जो कि फीमेल है इसमें आप 11 नंबर माइनस कर सकते हो। ओबीसी की बात करें तो इसमें आप 6 नंबर माइनस कर सकते हो मेल में और 7 नंबर जो कि है फीमेल में। एसटी की बात करें सेकंड लिस्ट की, तो आप इसमें 9 नंबर माइनस कर सकते हो और फीमेल की में आप 12 नंबर माइनस कर सकते हो। एससी की में आप कर सकते हो 14 नंबर माइनस कर सकते हो और जो फीमेल है उसकी में आप 17 नंबर माइनस कर सकते हो। तो ये रहने वाली है आपकी, अब स्क्रीनशॉट ले लें, ये रहने वाली सेकंड लिस्ट कट ऑफ। अगर आपकी दोस्तों जो अगर आपकी 12,000 सीटें अतिरिक्त इसमें शामिल हो जाती हैं 35,000 में,
35,000 हो जाती है तो 47,000 सीटें हो जाएंगी। तो आपको पता है 47,000 सीटों पर कट ऑफ क्या जाएगी। तो ज़्यादातर अनुमानित बता रहे हैं जनरल की, मैं एक कैटेगरी बता दूँ उसी आधार पर देख लें, जनरल की 400 बता रहे हैं मेल की, और फीमेल की बता रहे हैं आपको दोस्तों 390। यह आपकी मान के चलो फर्स्ट की है। अगर 12,000 सीटें जुड़ जाती हैं तो हम बता देंगे आपको जो कि जो अगर 12,000 सीटें जुड़ने के बाद जो इसकी रहेगी जो जनरल की रहेगी वो रहेगी आपकी 390 आपकी 12,000 सीटें जुड़ने के बाद मेल की रहेगी, और फीमेल की रहेगी आपकी 385 आपकी फीमेल की रहेगी 12,000 सीटें जुड़ने के बाद। तो इस आधार से आप कम कर लेना। मैंने बता देता हूँ आपको, एक बार फिर से बता देता हूँ, जो 12,000 सीटें आपकी जुड़ गई, 12,000 सीटों ने जो घोषणा की है सोशल मीडिया के हवाले से जो पता चल रहा है, अगर 12,000 सीट जुड़ गई तो टोटल सीटें आपकी 47,000 हो जाएंगी। तो 47,000 होने के बाद जो कट ऑफ है बहुत कम गिरेगी, कम गिरेगी। देखो जैसे कि 400 है आपकी मेल की, तो इसमें कम से कम आप 12 नंबर माइनस कर सकते हो 12,000 सीट जुड़ने के बाद, और जो फीमेल है इसमें 15 नंबर आप माइनस कर सकते हो। तो इतनी कम रहेगी अगर 12,000 सीटें और जुड़ती हैं। तो ये थी आपकी अनुमानित कट ऑफ। कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।